हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे 18वीं शताब्दी में राजनीतिक गठन पर हम लोग बात कर रहे थे। हमने राजपूतों को देखा, मुगलों को देखा और बहुत सारे समझा। हम सिख पर बात कर रहे थे। मैंने हालांकि कुछ बीच में पढ़ा भी लिया था, पर कोई नहीं, दोबारा शुरू करेंगे। नई क्लास है तो सिख को हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो अभी एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है कि चैप्टर पढ़ना है। जीआईसी खेती से कोई बच्चा माइक लेके चैप्टर पढ़े बेटा। जीआईसी खेती इस बुक का आखिरी चैप्टर है। जीआईसी खेती, कोई भी बच्चा बच्ची माइक लेकर चैप्टर को पढ़े। वॉलेंटरी खड़ा हो जाइए, कोई ऐसा नहीं किसी स्पेशल खड़ा होना। कोई भी बच्चा, हिंदी पढ़नी है बस, नॉर्मल आराम आराम से पढ़ना है, कुछ ऐसा है नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। जी ऐसी खेती, हाँ बोलिए बेटा, क्या नाम है हेलो आपका? सर, मेरा बीच में नाम आइए, मोहित आप बीच में अप्रीति आइए है। मोहित जी, आप बीच में आइए बेटा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, अब आप दिखाई दे रहे हैं। देखो माइक को मुंह के पास रखना है, बस नमस्कार बस, सर। ठीक है ठीक है। नमस्कार बेटा, माइक को आपको मुंह के पास रखना है और आपको धीरे धीरे पढ़ना है ताकि सब बच्चे आपकी आवाज सुन सके, सारे स्कूल के। ठीक है? ठीक सर है बेटा, पढ़ना शुरू करें। अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक को गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्कों गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिक्कों ने अपने आपको पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पूर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वह सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के प्रेरित किया था कि शासक उनके भाग्य में है, राजा करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के का उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिक्क इलाके सिंधु के यमुना तक
यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बांटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिक्के समूह में फिर से एकता कायम करने करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है बेटा, मराठा मोहित मोहित, राज्य। और कोई बच्चा पढ़े? आपने पढ़ लिया एक पैराग्राफ, कोई और बच्चा? किसी और को मौका देंगे? कोई और बच्चा पढ़ना चाहे? ठीक क्या नाम है आपका? ठीक सार्थक है बेटा, सार्थक पढ़े आप भी। मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1687 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशाली गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का उपयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में ही रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य गठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद जिला इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगलों सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। उसने शनह शनह और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के धीरे धीरे मान्यता धीरे मिल गई धीरे और पढ़े, साथ धीरे बेटा धीरे धीरे पढ़े, ताकि और थोड़ा टाइम लगता है दूसरे में स्कूल ले पूछेंगे। धीरे धीरे पढ़े, कोई स्पीड कंपटीशन नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले भी बोला, धीरे धीरे पढ़े। रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सेवाएं तेजी से बढ़ी और वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार ने से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है बेटा, बैठ जाइए आप, धन्यवाद। अब चलेंगे जीआईसी, जीआईसी कुरेला खेत। आगे जाइए आप थोड़ा सा, ताकि आपका फेस दिखाई दे सभी बच्चों को, कौन बच्चा पढ़ रहा है। आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा और आगे आइए, आपकी हाइट काफी लंबी है तो आप कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे अच्छे से। आप आगे आइए, चलिए पढ़िए बेटा। आपका नाम क्या है? अनिल अनिल बिष्ट। चलिए आप यहां से शुरू करें, आप धीरे धीरे पढ़े जैसे अभी बच्चा पढ़। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों के एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे
इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भैसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों के उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इदारे होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ावा। दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। कोई और बच्चा पढ़े, टॉपिक चेंज हो गया, कोई और पढ़ना चाहे आपके स्कूल से? चलिए, जीआईसी रानाखेत, क्या नाम है बेटे आपका? ऋषभ राज सर, आवाज आ रही है आपकी? राज, ठीक है बेटा, धीरे धीरे पढ़ना है, माइक को मुंह के पास रखना है, आप शुरू करें। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेताजी जुड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों पर होना शुरू हो गया। प्रस्तुत कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बगड़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल भाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली और शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों में नमूने पर बनाई गई थी। बैठ जाइए जी, ऐसे नहीं किया था, आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, चैप्टर समाप्त हो गया, थोड़ा समझते प्रयास करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आप बच्चों ने मिलकर पढ़ा, चलिए बैठ जाइए। बात करेंगे सिख, और आप जानते हैं जो सिख हैं वो बेसिकली एक प्रकार की लड़ाका जाति है, जिन्होंने मुगलों से सीधा आपके टक्कर ली, और आप जानते हैं इन्होंने मुगल साम्राज्य का आपका विरोध किया, क्योंकि उनकी नीति धार्मिक विरुद्ध के आधार पर थी उस समय। और देखिए, कह रहे हैं कि अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो चुका था। हम कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? 18वीं। लेकिन सिख कब आ गया है? 17वीं शताब्दी में, यानी कि पहले आ चुके हैं। इस चैप्टर से पढ़ने के बाद जो हम दौरान राजनीतिक संगठन पढ़ रहे हैं उससे पहले का राजनीतिक समुदाय बन चुका है। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ाया, जो पंजाब वाला रीजन है। देखिए, आज का जो पंजाब है और वर्तमान का पंजाब, पठानकोट, मिठानकोट, ये वाला जो पार्ट है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपका पंजाब के अंतर्गत आता था। आज पंजाब जब पार्टीशन हुआ तो आप यकीन मानिए कि जितना पूरा पाकिस्तान था, लगभग उसका हमको
20% या 30% ही मिला, बाकी अधिकतर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय की भी बात कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर था, और आज वर्तमान में उस पूरे पंजाब की बात हो रही है, ना कि केवल जो स्पेशली जो आज पंजाब हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब देखिए, कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि खालसा पंथ की स्थापना की, तो आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी 1699। क्लियर है? और आप जानते हैं, अब आपके लिए क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब किस जिले में पड़ता है, आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? हेमकुंड साहिब एक गुरुद्वारा है जो सिखों से संबंधित है और बहुत हाइट पर बना हुआ है, उत्तराखंड में स्थित है हमारे राज्य में। तो यह आपको बताना है कि हेमकुंड साहिब कहाँ है, यह आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ, मैंने आपको बताया है कि आपके बहुत सारे घराने ऐसे थे जो आपका मुगलों के साथ उनकी सत्ता के लिए सेवा कर रहे थे और बदले में वो अपना एक बढ़िया शासन चला रहे थे। तो केवल सिखों ने मुस्लिमों के, मतलब जो आपके मुगल हैं, उनके अलावा राजपूतों के लिए भी अपने संघर्ष अभियान चले। आप कह रहे हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर, ध्यान दीजिए कौन, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ के नेतृत्व करने कौन आया, बंदा बहादुर, यानी कि संघर्ष जारी रहा। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले को सिक्कों को गढ़वाया, यानी कि सिक्के चलाए। सिक्के पर किसका नाम था, गुरु गोविंद सिंह का नाम था, गुरु नानक जी का नाम था। क्लियर है? और अपने शासन को सार्वभौमिक बताया। सार्वभौमिक का मतलब है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सार्वभौमिक कार्यक्रम, सार्वभौमिक मिड डे मील, सार्वभौमिक अभियान, ऐसे सुना है ना शब्द। सार्वभौमिक का मतलब है सबके लिए, सबका, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सार्वभौमिक यानी कि सर्व के लिए। कह रहे कि सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रशासन स्थापित किया। अब आप सतलज नदी को देखिए और यमुना नदी को देखिए, आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको सतलज आपको दिखाई देगी उत्तराखंड से निकलती हुई। क्लियर है? कहां से निकलती है, बंदरपुर ग्लेशियर से या कहीं और से निकलती है? चलिए ये भी आप खोजिए कि यमुना नदी कहां से निकलती है और सतलज नदी कहां से निकलती है। तो इस तरह से निकली आपकी सतलज और ये निकली आपका यमुना, इसके बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर शासन कर रहा है सिख साम्राज्य। क्लियर है? अब आप कहेंगे बहुत सारी चीजें जब आप लोग हिस्ट्री को पढ़ोगे तो बार बार आपको दिखाई देगा दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और हमेशा उसको कहा गया दो आब। तो जब भी लड़ाई हुई है उस दो नदियों के बीच के क्षेत्र को लेकर हुई है प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में, और उसका एकमात्र कारण रहा गया। कारण क्या था? दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है वो कैसा होता है, उपजाऊ होता है, आपका फर्टाइल होता है। असल में नदियों में बाढ़ आती है, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लाकर वहां पर जमा देती है और हर साल दर साल उनमें जो उनकी पैदावार है वो अच्छी होती है, और पैदावार अच्छी होगी तो वहां से टैक्स मिल सकता है, और टैक्स मिलेगा तो राज्य का शासन प्रशासन समृद्धि बढ़ेगी। इस वजह से ही दोआब नदियों को लेकर हमेशा संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं सिख साम्राज्य, जो आपका सिख साम्राज्य कहाँ है, सतलज और यमुना नदी के बीच है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। अब पूरा सिख जो अभियान है वो किसके नेतृत्व में चल रहा है, बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर को मुगल आपका क्या कर लेते हैं, आपका उसको बंदी बनाते हैं। 1716 में इसको मार दिया जाता है और 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख अपने जत्थों, अब देखिए यहाँ शब्द है, जब बहुत सारे लोग आपका चलते हैं, सिख लोग चलते हैं, उनको हम कहते हैं जत्था। कि हम किस में जा रहे हैं, जत्थे में जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना हम गुट में जा रहे हैं, हम बहुत सारे लोग आपके समुदाय में जा रहे हैं, तो सिखों में इस भाषा को कहा गया है कि हम जत्थों में चलते हैं। क्लियर है? 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, और उसके बाद ये जत्थे क्या हो गए, आपका मिसलों में शामिल हो गए। जैसे मान लीजिए देहरादून की एक मिसल हो गई, चमोली से हो जाए, पिथौरागढ़ से हो जाए, ठीक बागेश्वर से, चंपावत से, तो ऐसे बहुत सारे को मिलकर उन्होंने आपका मिसल बना ली। क्लियर है? और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त तो सेना ये क्या कहलाई, खालसा दल। यानी कि जत्थे और आपका जब मिसले मिली तो क्या बन गया, दल खालसा आपका कहलाई।
उस दिन दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। वैसाखी इनके लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। सिखों को अगर आप देखोगे तो जो वैसाखी आती है बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लेते थे ये लोग कि भाई क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, और गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था, यानी कि गुरमता, यानी कि जो गुरु ने प्रस्ताव रख दिया उसको सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी 20% कर के रूप के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यानी कि आपकी कृषि में मान लीजिए अगर 100 किलो अनाज हुआ है तो आपको 20 किलो अनाज सिखों को देना पड़ेगा, खालसा को देना पड़ेगा, और बदले में वो क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। यानी कि 20% टैक्स ले रहे हैं आपकी रक्षा के लिए, कौन? सिख। तो इस तरीके से वो अपने शासन प्रशासन को चला रहे हैं। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं, व्यवस्था कहां से चलेगी? पैसे से। और पैसा कहां से आएगा? किसान से। और किसान कहां से कमाएगा? जब अनाज अच्छा होगा। अनाज कहां पर अच्छा होगा? जहां पर मिट्टी अच्छी होगी। और मिट्टी कहां पर अच्छी होगी? जहां पर सिंचाई की सुविधा बढ़िया होगी, जमीन उपजाऊ होगी। तो वो क्षेत्र कहां है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इसलिए उन्होंने कहा गया दो आब। तो जितने भी झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, आप देखना मराठे लड़े, मुगल लड़े, कहीं भी आप देखिए, कृष्णा गोदावरी संगम साहित्य पढ़ लीजिए, साउथ के दक्षिण के चोल चेल पांड्य कुछ भी पढ़ लीजिए, सब मौका मिलेगा आपको पढ़ने का। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र को लेकर, नदियों के बेसिन क्षेत्र को लेकर संघर्ष रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां से कर आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये स्थिति थी। और इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, उनकी एक इमेज दिखाई गई है, आप इनको देख सकते हैं, आपकी बुक में भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को आपका प्रेरित किया, शासन के भाग्य में राज करेगा खालसा, ये इनका टैग लाइन थी, राज करेगा खालसा। अपना सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली, मैंने कल आपको पढ़ाया है कि अहमद शाह अब्दाली कहां का था और कैसे वो अटैक कर रहा था, और नादिर शाह, दोनों के बारे में हमने पढ़ा है, पीछे आप देखेंगे तो कल के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बेसिकली ये आक्रमणकारी थे, ये भारत को लूटने आते थे, के खिलाफ सफल आपका विरोध प्रकट किया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार पर अपना कब्जा कर लिया। कुछ ऐसा क्षेत्र था आपका पंजाब का जो आपका मुगलों के अंदर आता था, आप वो किसने ले लिया? अहमद शाह अब्दाली ने। तो इस वजह से सिख और अहमद शाह अब्दाली की सामने से आपकी झड़प होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, सरहिंद ये वही पार्ट है जो वर्तमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का पार्ट है। क्लियर है? खालसा ने 1765 में अपना सिक्कागढ़ का सार्वभौमिक शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेश पर, वही सब कुछ चल रहा है जो पुराना सिस्टम है। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैल गए। पहले कहां था? सतलज। अब कहां पहुंच गए? सिंधु। देखिए, मान लीजिए ये निकल रही है आपकी सतलज नदी, ये निकल रही है आपकी यमुना, आप कहां पहुंच गए? सिंधु तक। यानी कि क्षेत्र क्या हो गया इनका? बीच का क्षेत्र इनका बढ़ चुका है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान वाला जो आपका मिठानकोट का पार्ट है, वहां तक सिख पहुंच चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं मिठानकोट के पास ही सिंधु की सारा जो भी सहायक नदियां हैं, चाहे सतलज हो, झेलम हो, रावी हो, व्यास हो, ये सब आपका बेसिकली मिठानकोट में जाकर मिल जाती है। और सिंधु नदी कहां गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि क्षेत्र निरंतर इनका कैसा है? आपका बढ़ रहा है। एक इसके एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने सिख समुदाय को फिर से एक एकता में कायम किया और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर कहां है वर्तमान में? पाकिस्तान में। अब जब सिख समुदाय मजबूत हो रहा है, शासन कर रहे हैं, सिंधु नदी तक पहुंच गए, तो ऑब्वियस है कि लाहौर पाकिस्तान में उनकी एंट्री है, आज के पाकिस्तान में। पहले कहां था? भारत का ही पार्ट था। क्लियर है? तो यहां तक इस तरीके से। और ध्यान रखिए, सिख जितने भी सिख आपके राजा हुए हैं, सबसे मजबूत, प्रतापी और बहुत राजनीतिज्ञ, सबसे अच्छे राजा अगर किसी को कहा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह। और इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगता है? महाराजा, ना कि राजा। क्लियर है? अब इसके बाद आप जानते हैं एक और लड़ाका कौम थी, जो थी मराठा।
आप थोड़ा सा आप भारत के मैप पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो ये क्षेत्र है उत्तर वाला, यहाँ पर आपके हैं आपके कौन, सिख, और जो आपका महाराष्ट्र और जो आपके पुणे वाला क्षेत्र है इस जगह पर आपके कौन है, आपके बेसिकली मराठे हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरह से कौन विरोध कर रहा था, इनका बाप का, मुगलों का, सिख विरोध कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ विरोध कर रहे हैं आपका मराठे। और आप जानते हैं मराठों की छापामार नीति, इनके युद्ध कौशल और इनकी रणनीति मुगलों की नाक में दम करके रखा हुआ था। आइए थोड़ा सा इनको पढ़ते हैं और क्या कुछ कैसी व्यवस्था थी उसको आपका जानते हैं। मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। कैसा था? क्षेत्रीय, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में था, महाराष्ट्र और बेसिकली आपका पुणे से शुरू हुआ था। क्लियर है, छोटी सी जगह से। और अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपके मराठे थे वो भी आपके मुगलों के यही आपका कार्य करते थे सेना में, जो मुगल शासन में लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। क्या कर रहे थे? मुगल का आपका विरोध कर रहे थे। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अंत्यत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी मराठों की सेनाओं की मुख्य आधार बन गया। बेसिकली थे कौन मराठे? आपके कृषक थे और पशुचारक थे, और इनको कहा गया कुनबी, कि इनकी एक अपनी सेना बना ली। ठीक, शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी, इसलिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य प्रभावी शक्ति चिंपान और ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथों में रह गई। अब कौन लेने लगा डिसीजन? ये ब्राह्मण परिवार। शिवाजी के उत्तराधिकार के शासन में पेशवा, पहले पेशवा क्या होता था, मान लीजिए हेड ऑफ ने, पहले कौन सा सबसे प्रमुख थे आपके? शिवाजी। शिवाजी के ही आपके प्रधानमंत्री होते थे आपका पेशवा, इनको पेशवा कहा गया, ये इनके सलाहकार थे बेसिकली। लेकिन बाद में शिवाजी के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पद हो गया आपका? पेशवा का पद हो गया। आप अभी छोटे हैं, जब आगे आपको पढ़ने को मौका मिलेगा तब आपको पता लगेगा बालाजी बल्लाव, तो आपको बालाजी विश्वनाथ के बाद से कैसे शुरू हो गए पेशवा पद, आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे चैप्टर में मिला हुआ है, ताकि हम चीजों को समझ सकें। तो पेशवा के रूप में अपनी सेवा दे रहे और पूरे महाराष्ट्र राज्य को अपनी राजधानी बनाए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मराठों की राजधानी कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए पुणे आपका मराठाओं की राजधानी थी। ठीक, पेशवाओं की देख रेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से आपके टक्कर ना लेते हुए उनके पास चुपचाप निकलकर शहरों में कब्जा, शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे, यानी कि सीधे नहीं लड़ते थे, क्योंकि जानते थे कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, हम उसे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो छुपकर अपना काम करते थे। मुगल सेना में ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ ली जहां पर सरहद पाने और उमल करने के रास्ते आसानी से रोका जा सकता था। आप जानते हैं किसी नए क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को लाकर वहां लड़ने के लिए कहा जाए तो वो नहीं लड़ सकता। अगर पहाड़ी इलाके में किसी आप मध्य प्रदेश के आदमी से कहो कि आप लड़े, तो वो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो जानता नहीं है वहां की ज्योग्राफी का। क्लियर है, और वहां का व्यक्ति सफल हो जाएगा। यही कारण था कि मराठे हर बार सफल होते थे। ठीक है, ये हमको आपका देखना था। तो थोड़ा सा और बचा है, अभी काफी है, समय भी आपका समाप्त हो रहा है, और एक शिवाजी का चित्र बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया है और बुक भी समाप्त हो गई है, तो कल आपका नई बुक के साथ मिलेंगे। और थोड़ा सा जो है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, रिविजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, लिंक करके पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं एक टॉपिक से लेकर और बहुत सारी क्लासेस और टॉपिक के लिए। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने आपका चैप्टर पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई का रिविजन प्रॉपर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।